आदाबर से नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रुकन पार्लियमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चार मीनार के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा, मकामी आवाम से मुलाकात और मसाइल को हल करने की अहदेदारों को दी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली चार मीनार और हल्के मलकपेट ने मुतल्लिका हल्कों में किया पैदल दौरा, मसाइल को हल करने का मकामी अवाम को दिया तयक्कुन। साउथजोन पुलिस की जानिब से चबूतरा मिशन का दोबारा आगाज, डीसीपी साउथजोन की निगरानी में 200 से ज्यादा हिरासत में लिए गए नौजवानों की गई काउंसलिंग। एक करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की धोखाधड़ी में मुलविस वेब चैनल का खुद साख्ता रिपोर्टर गिरफ्तार, डीसीपी वेस्ट जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। ऑटो में सफर करने वाले मुसाफरीन को डरा धमका कर डकैती करने वाली दो रुकनी टोली गिरफ्तार, 2,66,000 रुपए नकद रकम के अलावा ऑटो और दीगर अशिया की गई जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुलिंद में शहर मुस्लिमीन रुकन पार्लियमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चार मीनार के मुख्तलिफ डिवीजन्स के इलाकों का पैदल दौरा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमराह मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगम मजलिस कारकुनान और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने मकामी आवाम को तयक्कुन दिया कि जल्द अज जल्द उनके मसाइल को हल कर लिया जाएगा। सदर मजलिस में पार्लियमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुबह चारमार असम्बली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मकामी आवाम से मुलाकात की और मसाइल से वाकिफियत हासिल की। दौरे में मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा मुख्तलिफ महकमजात के अहदेदार भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने मुगलपुरा डिवीजन के तालाब कट्टा, मुराद महल, जहांगीर नगर, हरीबावली, दायरा मीर मोमिन, हरिजन बस्ती, वाल्टा होटल, सुल्तान शाही और दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने बाद मकिनों की जानब से मकानात में पानी दाखिल होने की शिकायत का भी नोट लिया और अदारों को इस सिलसिले में इकदाम की हिदायत दी। मकामी आवाम की जानब से पीने के पानी की किल्लत और आलूदा पानी सरबराह होने की शिकायत भी की गई। दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने सड़कों की अबतर हालात का भी जायजा लिया। ड्रेनेज लाइन की सफाई के बारे में भी आवाम की जानब से तवज्जो दिलाई गई। बाज इलाकों में आवाम ने कचरे की निकासी न होने और साफ सफाई के नाकिस इंतजाम के बारे में बैरिस्टर ओवैसी को वाकिफ करवाया। सदर मजलिस ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द तमाम मसाइल को हल किया जाए। महकमे अखिलियत बहबूद हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत भर में 43 उर्दू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करते हुए असरी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत खालंदर नगर संतोष नगर में सेक्रेटरी महकमे अखिलियत बहबूद उमर जलील आईएस ने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह अंजाम दिया। मस्कुरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, ओएसडी सैयद विलायत हुसैन के अलावा प्रिंसिपल मोहम्मद बशीरुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। बाजा सेक्रेटरी महकमे अखिलियत बहबूद उमर जलील ने बताया कि मरहलेवारी तौर पर तमाम इंस्टीट्यूट्स को असरी बनाया जाएगा। मस्कुरा कंप्यूटर सेंटर्स को चराग का नाम दिया गया है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उर्दू कंप्यूटर सेंटर का अपग्रेडेड सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। हमारे तेलंगाना में 43 उर्दू कंप्यूटर सेंटर्स हैं, तो आज से इन तमाम को
अपग्रेड करने के लिए, नए कंप्यूटर देने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है उसके तहत पहला सेंटर जो अपग्रेडेड सेंटर है इसको आज हमने इफ्तिताह किया। ऑनरेबल एमपी साहब आना चाहिए, ज़रूरी था, उनके हाथों होना था ये, लेकिन किसी नागजीर वजूहत के बिना पे वो ना आ पाए तो मुझे इजाज़त मिली तो मैंने सेंटर को इफ्तिताह किया। इस सेंटर में हुकूमत की जानिब से हमने 10 कंप्यूटर दिए हैं और फर्नीचर दिया है, ब्लैक बोर्ड्स दिए हैं और दूसरी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो दिए हैं और जो फैकल्टी है उनको ट्रेनिंग दी गई है ताकि लेटेस्ट जो प्रोग्राम्स हैं, आईटी प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर है, वो तमाम चीज़ें वो सीख जाएं ताकि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग दे सकें। इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलेंगे वो खुद कफील हो सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपनी नौकरी का कर सकते हैं या फिर अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, ट्रेनिंग हासिल करके आगे निकलेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि उससे मुस्तफ़ीद हों। इसके अलावा यहाँ सेंटर में काफ़ी बड़ी जगह है, शाहिद नासिर मेमोरियल लाइब्रेरी के तहत यहाँ काफ़ी बड़ी जगह है तो और भी कंप्यूटर्स और फर्नीचर और भी हार्डवेयर की चीज़ों की जो भी ज़रूरत होगी मैंने बारी साहब से कह दिया है, हम इसको तमाम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो तमाम 43 सेंटर है, तमाम 43 सेंटर को अपग्रेड किया जा रहा है। पहले मरहले में 7 सेंटर को 1 करोड़ की लागत से अपग्रेड कर रहे हैं, उनको बेहतरीन कंप्यूटर अता कर रहे हैं। तो इसी तरह 7 सेंटर भी शुरू किए जाएंगे, हैदराबाद, वरंगल, निज़ामाबाद, बोधन, सिद्दीपेट, करीम नगर और महबूब नगर में शुरू किए जा रहे हैं। तो पहला सेंटर हमने हैदराबाद में यहाँ पर ही ओपन किया है। बहुत मुझे खुशी हुई यहाँ आके कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ बुनियादी सहूलियात हैं, तो अब असली सहूलियात की जो ज़रूरत है वो हम इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेंगे। तो कोर्सेज हैं MS-DOS, C++, जावा, टैली और इसके अलावा बेहतरीन नए जो कोर्सेज आए हैं, नए जो सॉफ्टवेयर आए हैं उन तमाम चीज़ों की भी यहाँ पर बेसिक की भी दी जाएगी ट्रेनिंग और एडवांस कोर्सेज की भी ट्रेनिंग दी जाएगी इंशाल्लाह। रियासत की मुख्तलिफ उर्दू असातिज़ा की तंजीमों के नुमाइंदों ने मजलिस हेड क्वार्टर दारुसलाम पहुंचकर खायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और असातिज़ा तंजीमों के नुमाइंदों ने उनके मसाइल को हुकूमत के सामने उठाने पर खायद मजलिस से इजहार तशक्कुर भी किया। नुमाइंदों ने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर उर्दू असातिज़ा की जायदादों के लिए अलहदा DSC मुनक़िद करने का ऐलान किया गया है। अलावा टीचर्स तंजीमों के नुमाइंदों ने यह भी बताया कि 1800 जायदादें मखलुआ हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से 900 जायदादें बताई जा रही हैं। इस सिलसिले में खायद मजलिस को तवज्जो दिलाई गई और बताया कि खायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने उर्दू टीचर्स के दूसरे मसाइल को भी हुकूमत से रुजू करने का तयक्कुन दिया है। टीचर ने बताया कि मजलिस की फोरडर की जानिब से जो इकदाम और नुमाइंदगियाँ की गई हैं इससे उर्दू के असातिज़ा और उर्दू मीडियम तलबा को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके लिए तमाम टीचर्स और तलबा कायद मजलिस से इजहार तशक्कुर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मेरा नाम एजाज फातिमा है। हम तेलंगाना उर्दू ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से सारी रियासत में उर्दू के मसाइल को हल करने के लिए एक आवाज़ उठाए हैं। उर्दू के मसाइल जैसा कि आप जानते हैं स्पेशल उर्दू DSC सबसे अहम मसला है। जनाब वज़ीर आला हमारे जो KCR साहब हैं उन्होंने 3 बार असम्बली में वादा किया है, असम्बली में वादा करने के बावजूद भी आज तक उसकी अमलावारी नहीं हुई है, वो है स्पेशल उर्दू DSC। उर्दू मीडियम के लिए मखसूस उर्दू DSC मुनक़िद करने का जो वादा किया है वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसका मुतालबा लेकर हम यहाँ पर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के पास आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिस्पॉन्स बेहतरीन रहा। अब ये आने वाले असम्बली में स्पेशल उर्दू DSC का नोटिफिकेशन हासिल करने तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। स्पेशल उर्दू DSC के साथ साथ हमारा ये भी मुतालबा है कि उर्दू मदारिस में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 1:15 रखा जाए, चूँकि उर्दू मीडियम माइनर मीडिया है, मेजर मीडिया जो तेलुगु मीडियम दूसरे मीडियम से वो 1:13 उसका रेशियो है, लेकिन माइनर मीडिया रहने की वजह से हमारे उर्दू मदारिस में 1:15। साजुन में एक मरतबा फिर चबूतरा मिशन का पुलिस की जानिब से आगाज़ किया गया और रात देर गए चलाई गई मुहिम में तकरीबन 290 से ज़ायद नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया जो बग़ैर किसी वजह के सड़कों पर घूम रहे थे या फिर चबूतरों की जीनत बने हुए थे। मोरपा बस स्टैंड हदूद से तकरीबन 32, हुसैनी आलम से 14, मीर चौक हदूद से 7, भवानी नगर से 27, फलक नुमा पुलिस स्टेशन हदूद से 45 के अलावा दीगर पुलिस स्टेशन हदूद से नौजवानों को हिरासत में लिया गया।
इलाहाबाद में इस मौके पर 20 से जायद ऑफेंडर्स को भी हिरासत में लिया गया। डीसीपी साउथ जोन बी सत्यनारायणा की निगरानी में सुबह के औकात में मकामी फंक्शन हॉल में नौजवानों की काउंसलिंग की गई और ताकीद की गई कि दोबारा हिरासत में लिए जाने पर उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जाएंगे। कल रात 15 टीम्स लगाकर 291 लोगों को पकड़ लिया। इसमें 15 लोग रैश एंड ड्राइविंग कर रहे हैं। वो रैश ड्राइविंग में खुद तो अपने लोगों को नुकसान है, वो खुद मर सकता है और किसी को मार भी सकता है। दोनों इशू में पेरेंट्स को अनबेरेबल पेन मिलता है, गम मिलता है। बाद में पुलिस को भी बुरा नाम आता है, क्यों कंट्रोल करा नहीं रैश ड्राइविंग। इतना रात में 2 बजे को, 1 बजे को, 3 बजे को अचानक बिना एनी एम ऑब्जेक्टिव क्यों फिरना है, क्यों बैठना है? इसीलिए हम चबूतरा ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया। लास्ट 3 इयर्स में कई बार ये चबूतरा ऑपरेशन करने में बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला। यूथ बाहर आना बंद कर दिया, अपने पेरेंट्स फैमिली के साथ सोना, काम करना और पढ़ना शुरू कर दिया। ज़्यादा लोग अननेसरी केस में फंस जा रहे, अचानक फंस जा रहे, बहुत परेशानी हो रहा है, ऐसा समझकर वो आना बंद कर दिया। लेकिन कई त्योहार्स, कई प्रोसेशंस, कई मुहर्रम का मॉर्निंग डेज में हम बिजी होके वो कंटिन्यूसली कर नहीं सका। सो अभी शुरू कर दिया। किसी तरफ से, किसी रूप से न्यूसेंस करके मासूम लोगों को, कॉलोनी लोगों को और सोने वालों को अगर परेशानी करेगा तो हम सख्ती से एक्शन ले लेंगे। पहले बार उनका पेरेंट्स के सामने काउंसलिंग करके हमारा ऑफिसर्स छोड़ दिया। ये पूरा डिटेल्स हमारा डेटाबेस में है। अगर दूसरा तीसरा बार करेगा तो एक्शन ले लेंगे। इसमें 35 मेंबर रिपीटेड न्यूसेंस में इन्वॉल्वमेंट हुआ। सो इसीलिए उन लोगों के ऊपर ये पेटी केस लगा के ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं कल और परसों। और 15 लोगों को जो माइनर्स मिला है उनके पेरेंट्स के ऊपर रेस्पॉन्सिबल में उनको चलाना लगा रहे। अगर दूसरा बार मिला जाएगा तो उनको सीज करके कोर्ट में सबमिट करेंगे। सो इसी तरह कार्डन सर्च ऑपरेशन, चबूतरा ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे। पुराना शहर में ये पूरा क्राइम बहुत कम हो गया। जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स है पीडी एक्ट में गए, अभी सेफ एंड सेफ्टी है। खाली छोटा मोटा ये न्यूसेंस हो रहा है अननेसरली आवारा फिर कर, क्योंकि हर एक ज़्यादा लोग गल्फ में जाकर इतना परेशानी होकर वो जो कदामा गिदामा के नीचे काम करके सुबह से शाम तक इतना मेहनत करके पैसा यहाँ भेज रहे थोड़ा अच्छा करियर बनाने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन वो लोग अननेसरली बाइक में फिरना, आवारा फिरना, झूठा बात, वो अननेसरली बेकारी के बात बात करना, फाइटिंग करना, स्ट्रीट फाइट करना, ये कर रहे। तो ये पूरा 100% कंट्रोल करने के लिए और कई बार हम ये चबूतरा ऑपरेशन कंट्रोल कंडक्ट करेंगे। ये पेरेंट्स को भी, वो सभी बच्चों को बोलना, अगर बाहर आएगा तो पुलिस पकड़ कर वो डेटाबेस में रिकॉर्ड करेंगे। किसी तरफ क्राइम कंट्रोल करता है, एक्सीडेंटली किसी को परेशान भी नहीं होता। कोलिन में इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हल्क़ेजात के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मकामी आवाम से मुलाकात करते हैं और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए उन्हें तयकुन देते हैं कि मसाइल को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकेजात का पैदल दौरा किया। मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबरार मोहियुद्दीन और बल्दी बरखी आबसानी के अहदेदार मौजूद थे। मकामी अवाम ने बलदी मसाइल, सेवरेज लाइन के मसाइल और दीगर मसाइल से मजलिसी रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया।
جس پر میونسپل اسمبلی احمد برارہ نے تیقن دیا کہ جلد از جلد ان مسائل کو حل کر لیا جائے گا۔ اس موقع پر جی ایچ ایم سی کے ایگزیکٹو انجینئر غوث الدین کے علاوہ محمد مظفر اور دیگر بھی موجود تھے۔ کلین میں سعد المسلمین کے رکن اسمبلی اور معتمد عمومی سید احمد پاشا خادری نے حلقہ اسمبلی چار مینار کے مختلف علاقے جات، خاص کر نور خان بازار اور اطراف و اکناف کے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز مرزا ریاض الحسن آفندی اور بلدی برخی اور آبرسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ مقامی عوام نے اس موقع پر مجلس رکن اسمبلی کو بلدی مسائل سے واقف کروایا۔ مجلس رکن اسمبلی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ جلد از جلد ان مسئلوں کو حل کیا جائے۔ نور کیفے کے علاوہ اطراف و اکناف کے علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا۔ ماتا کھڑکی اور دیگر علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے سلسلے میں انہوں نے عہدیداروں کو توجہ مبذول کروائی۔ یہ چار مینار اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن اور اس کو تحصیل چیک کرے، کہاں رکاوٹ ہے اس کو دور کر کے ان کی شکایت کو دور کرے، اور ایک الیکٹرک پول گلی کے مین رستے پہ ہے اس کو بازو ہٹانے کے لیے یہ ہی الیکٹریکل کو بھی پابند کیا گیا، اور وہاں پر آگے ڈرینیج کا ایک پرابلم تھا، مین روڈ سے نئی لین ڈالنے کے لیے ریماڈلنگ کر کے آٹھ انچ کی اس کی بھی ہدایت دی گئی۔ ایریا کارپوریٹر مرزا ریاض الحسن افندی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر پتھرٹی ڈویژن کے علاقے میں سہیل قادری صاحب کارپوریٹر کے ساتھ یہاں پہ دورہ کیا گیا، یہاں ماتا کھڑکی روڈ پہ مسجد چھوٹی مسجد کا ایریا اور مسجد اسناشری کا، یہاں پتلی گلی ہے جہاں پہ فلورنگ ہو کے آج 15 سال کے اوپر ہوگا اور پوری فلورنگ انتہائی ناکارہ ہے، خستہ حالت میں ٹھوکریں لگتی۔ اسے پہ 2 مہینے پہلے بھی میں آ کے دیکھ کے گیا تھا اکیلے، آج انجینئرس کو ہدایت دی گئی کہ وہ فلورنگ کا اسٹیمیٹ بنائے، اور اس سے پہلے اندر گلی سے لے کے یہاں تک نالے تک پوری موری کو ڈیسلٹنگ کر کے فل تھرو کر کے صاف کر کے اس کے بعد یہ اسٹیمیٹ بنائے۔ یہ اسٹیمیٹ بن کے ٹینڈر ہو کے سینکشن ہو کے ٹینڈر ہو کے کام شروع ہونے تک 2-3 مہینے کا وقت لگتا، لیکن فوری اس کو جتنا جلد ہو سکے کرنے کے لیے، یہاں پرابلم یہ ہے روڈ اچھی ہے بظاہر لیکن بارش کے دنوں میں یہاں پر پانی کا اسٹیگنیشن پوائنٹ ہے، پانی جمع ہو جاتا، مجالس ہوتے یہاں پہ تقاریب ہوتے اس کے دوران میں پانی بیچ میں تالاب کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اس کو شکایت کو دور کرنے کے لیے پورا سلوپ لے کے، کیونکہ نیچرل سلوپ یہاں پہ نالے میں مل رہا ہے، پوری ڈرین نالے میں اس کا کنیکشن ہے، تو روڈ بھی جو سو نالے کی طرف سلوپ لے کے بنانے کے لیے ہدایت دی گئی۔ انشاءاللہ یہ کاموں کی تکمیل جلد سے جلد کرائیں گے، اور اسٹریٹ لائٹ کے لیے ریاض الحسن افندی صاحب، سہیل قادری صاحب، ایل ای ڈی لائٹ حال ہی میں لگا ہے، محرم سے پہلے لائٹ کا انتظام تو یہاں پر قابل مناسب ہے، کوئی شکایت بھی اصول نہیں ہوئی۔ البتہ بار بار لائٹ بند ہونے کی شکایت ہے، وہ تو ہر طرف اصول ہو رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر نئے جنریٹر، نئے ٹرانسفارمر کا نصب کرنے کا پروگرام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ 6 مہینے کے بعد یہ کام کی برقی کا جو شٹ ڈاؤن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی نمائندگی پر پیٹلا بروج پر ایک بہت بڑا سب اسٹیشن کے کام کا آغاز ہوا کل، اور ان قریب اس کو تکمیل ہوگی، 2-3 مہینے اس کو کام کے لیں گے۔ وہ سب اسٹیشن بننے کے بعد پرانے شہر کے بیشتر علاقوں میں، خصوصاً چار مینار اسمبلی حلقے اور بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں شٹ ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، برقی کی سربراہی آسانی سے رہیں گی، لوگوں کی ایک بڑی شکایت کو دور کیا جائے گا۔ صدر مجلس کی کامیاب نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ وہ ٹرانسفارمر وہ سب اسٹیشن کی تعمیر کے بعد لوگوں کو راحت ملے گی، اور تمام ہمارے ابتدائی کے لوگ اہلیان محلہ اس دورے میں ہمارے ساتھ ہے، بلدی برقی آبرسانی کے تمام انجینئر سے میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ۔ شاہ عنایت گنج پولیس نے دھوکہ دہی اور جعلسازی کے الزام میں ویب چینل TV24 کے خود ساختہ رپورٹر کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 13 تولے طلائی زیور اور 36 لاکھ روپے نقد رقم کے علاوہ موٹر کاریں اور دیگر اشیاء ضبط کر لیں۔ تفصیلات کے مطابق 36 سالہ مندہ راجیش ساکن تارنا کا مجرمانہ ماضی رکھتا ہے، اور سال 2004 سے وہ کئی دھوکہ دہی کے معاملوں میں ملوث پایا گیا ہے۔ ایک کیس میں 86 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی کا معاملہ ہے، تو دوسرے کیس میں تقریباً 30 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی کا معاملہ درج ہے۔ ڈی سی پی بیزون اے وینکٹیشور راؤ نے میڈیا کو اس سلسلے میں تفصیلات سے واقف کروایا۔
आज एक मंदा राजेश बोल के वो राजमंड्री वाले है, दोनों उपल में रहता, पूरा ये पब्लिक को चीट करके हम पुलिस मालूम है, मैं वेब चैनल रिपोर्टर हूँ बोल के पब्लिक को बोल के जो मैं केसेस है तो माफी करा तू बोल के वो लोगों से पैसे लेके ऐसा लेने केसेस में पूरा 9 केसेस में उनको उन्होंने इन्वॉल्व है। अभी शहनाजगंज में 2 केसेस में अभी अरेस्ट करे थे, जो पहला केस के बारे में उन्होंने एक महीना बाद में गुटखा मसाला का केस हुआ था उसमें वो केस निकाल देता हूँ, मेरे को सीनियर पुलिस ऑफिसर से मालूम है हम ये है बोल के जो वो लोगों से बात फोन बात करे जैसा बता के उनका नाम पे तो जो पुलिस का नाम पे तो एक दफा 11 लाख और दूसरा दफा 75 लाख भी लिए थे, उसमें जो उनको जो मसाला उनको ऊपर जो केस हुआ उनको भी वो केस माफी नहीं हुआ, ऊपर से उनको अरेस्ट करके भेजे थे कोर्ट को, जो लड़े के बाद जो हम पैसे दिए तो भी केस माफी नहीं हुआ, ये पूरा गलत है उनका बोल के उन्होंने पुलिस का दृष्टि में लाया था, जो उनको अरेस्ट करके उनके पोजीशन में 36 लाख नेट कैश और 4 कॉस्टली जो कार कंपनी मेड कार्स, एक सियरा हुंडा सियरा कार और मारुति 2 कार ऐसा वहां है, ऐसा ये 9 सेल फोन्स भी रिकवरी करे थे, जो 2 रिस्ट वॉचेस भी है और 10 तुलास का गोल्ड ऑर्नमेंट्स भी उनका पोजीशन में रिकवरी करे। उन्होंने 2004 से केसेस में है, उन्होंने हैदराबाद में पूरा हैदराबाद साइबराबाद में मिलके पूरा 9 केसेस में एफर लगा है, इससे पहले केसेस में थोड़ा लोगों को लोन दिला दूँ बोल के पब्लिक को चीट करके वो लोगों को एडवांस पैसे लेके कभी कभी ये कार दिला दूँ बोल के कार खरीद करके उनको चेक दे के चेक में भी चेक भी दे के चेक भी डिजाइनर होना होते, ऐसा उन्होंने अपने पास बंजारा हिल्स सॉरी जुबली हिल्स में एक केस है, वनस्तरपुर में एक केस है, मार्केट पीएस में भी एक केस है और शहना हुमायूं नगर में भी एक केस है, तपाजपुत्रा में भी एक केस है, ऐसा 9 केसेस पूरा है, इनके ऊपर पीडीआई के प्रपोजल का भी भेजने का। नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा किए गए 3 दिन के बच्चे की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक पेटला बुर्ज हॉस्पिटल में तौलुद हुए बच्चे को इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां से मंजुला नामी खातून ने उसका अगवा कर लिया था। पुलिस ने मंजुला और बच्चे की तलाश के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी थी और मंजुला की गिरफ्तारी पर इंकशाफ हुआ कि कमसिन बच्चा तबीयत की खराबी की वजह से फौत हो गया, बाद अज़ां उसे दफना दिया गया था। जैसे ही इतला नौमलूद बच्चे के रिश्तेदारों को मिली उन्होंने पेटला बुर्ज जजगी खाना हॉस्पिटल पहुंचकर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि बच्चे की नाश उनके हवाले की जाए। मालूम हुआ कि बच्चे को दफना दिया गया, उसकी नाश निकाल कर पोस्टमार्टम के सिलसिले में सरपरस्तों को नाश हवाले करने की भी बात कही गई है। दवाखाने में दिलखराश मनाजिर देखे गए, जबकि बच्चे का बाप इस सिलसिले में बेहोश हो गया था। पुलिस ने मंजुला और उसके आशना कुमरैया के अलावा मंजुला की सास को भी हिरासत में लिया। सेंट्रल जोन DCP जोएल डेविस ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। From Petlaburj Hospital, this particular 3-day-old boy was referred to Nilofar Hospital. When they were coming to Nilofar Hospital, other lady named Manjula, she also accompanied, saying that I'll help Volke. She convinced the grandmother of this particular baby and she accompanied with that grandmother to Nilofar Hospital. After taking treatment from Nilofar Hospital, they came out. This lady, the Manju lady, she requested the grandma to get tea. At that time, with this baby boy, this Manju escaped from Nilofar Hospital. That was the content of the complaint. We have registered a kidnapping case and we formed 15 teams with 10 law and order teams.
Inspector Nambali, Mr. Sanjay was monitoring that teams, and with task force 5 teams including technical teams, our DCP task force in charge Mr. Sashidhar Raju was monitoring that along with Inspector Madhu of South Zone task force. So this 15 teams, they started working. First they came to know through the CCTV camera that this offender lady had taken an auto in front of the Nilofer hospital. So we started tracking that auto. With the help of the advertisement behind the auto, we have identified the auto driver. We examined that auto driver, and he revealed that he dropped that particular lady in front of Sandhya Hotel. And from there again our CCTV analysis started, and we analyzed all the cameras en route in Saifabad area, Nampally area, Abids, Afzalganj, Sainathganj, Mangalghat, Charminar, all those areas cameras, we have analyzed more than 100 cameras. Then finally we reached the point of Afzalganj where the lady got down from that particular bus. From there she took another bus to Petla Burj, and from Petla Burj she met another guy, that is her husband, Kumar Gowd. Now we came to know about that. Both these people, they took a two-wheeler and they started towards Valdanda. When they reached Rachaluru, the two-wheeler got punctured. So they shifted to a bus. The lady shifted to a bus, and she went to Valdanda and she got down there. Till Rachaluru, our teams followed through the CCTV cameras, and after that, we couldn't identify the place. ریاستی وزیر عمر مخنہ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ حکومت اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن جتنے دن کا مطالبہ کرے گی اس کے مطابق چلانے کے لیے تیار ہے، اور حکومت ہر سوال کا جواب دینے اور عوامی مسائل پر مباحث کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھ چکی ہے، اور نے بتایا کہ اس سلسلے میں ایوان کی کارروائی چلانے کے لیے اپوزیشن کا تعاون درکار ہے۔ ریاستی وزیر عمر مخنہ ہریش راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کے مطالبے کے مدنظر رکھے گی اور عوامی مسائل پر مباحث کرنے کے لیے حکومت تیار ہے، اور بتایا کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ ویوان کی کارروائی چلانے میں تعاون کرے، اور بتایا کہ سابق میئر ریاستی وزیرات پی ایس نواس ریڈی نے رات دیر گئے ایوان میں کانگریس سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے تھے، اور کانگریس خود کہہ رہی تھی کہ اب اسمبلی کا اجلاس ختم کیا جائے جو ایک تاریخ ہے، لیکن اب کانگریس حکومت پر ایوان کی کارروائی نہ چلانے کے لیے بے بنیاد الزامات عائد کر رہی ہے۔ بھیا آپ جانتے ہیں پچھلے اسمبلی سیشن میں یہی کانگریس پارٹی اور پورے اپوزیشن پارٹی بس صاحب اسمبلی بولے تک ہم اسمبلی چلائے، آپ دیکھے ہوں گے ہمارا اگریکلچر منسٹر پوچارم سرینواس ریڈی صاحب رات میں 1:30 بجے تک اسمبلی میں جتنے کوشچنز پوچھے لکھ کے ہر کوشچن کو آنسر دیے، وہ لوگ خود آ کے بسے صاحب ہم سمجھ لیے بول کے بسے بول کے اپوزیشن آئے تک جواب بولے، ہم یہ نہیں کہ ہم بلڈوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوشچن کو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہے، اب جتنے بھی کوشچن پوچھو کیا بھی پوچھنا چاہے ہم بولنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھو بھائی آپ نکو بولتے بھی ہم اسمبلی چلائیں گے، کیوں بولتے، یہ سرکار نے غریب لوگوں کے لیے کسان لوگوں کے لیے بہت کچھ کام کرے، وہ ہم چرچا کرنا چاہتے ہیں، اسمبلی سے پبلک کو بولنا چاہتے ہیں، ہم پبلک بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ گورنمنٹ سرکار جو کچھ بھی کرے وہ پوری جنتا کے لیے بولنے کا فرض بھی ہمارا ہوتے ہیں، اس واسطے ضرور ہم اسمبلی چلائیں گے، جو وہ لوگ چرچا کرنا ہے چرچا کرو مائک لو، لیکن رچا کرنا ہے ہم نہیں چھوڑتے، چرچے کے لیے تیار ہے لیکن رچا کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میٹپلی میں واقع ایک اسکول کے قریب سے 40 سالہ خاتون کے گلے سے 4 تولے طلائی زیور اڑا لیا گیا، تفصیلات کے مطابق خاتون اپنے بچوں کو اسکول سے لانے کے لیے پہنچی تھی کہ 4 نامعلوم افراد نے قریب آ کر رہزنی کی واردات انجام دی، 40 سالہ پدما نے مقامی پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس سلسلے میں ایک شکایت درج کروائی، جس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چلگرگوڑا پولیس نے آٹو میں ڈرا دھمکا کر مسافرین کو لوٹنے والی 2 رکنی ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے نقد رقم اور آٹو کو ضبط کر لیا،
एसीपी गोपालपुरम डिवीजन श्रीनिवास राव ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि ऑटो में सफर करने वाले मुसाफरीन को डरा धमका कर डकैती की जाती थी। इस सिलसिले में मोहन साकिन हमाल बस्ती और शिवा साकिन सिकंदराबाद को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 2,66,000 रुपये नकद रकम के अलावा ऑटो और दीगर अशिया को जब्त कर लिया गया। एसीपी गोपालपुरम श्रीनिवास राव ने मजीद बताया कि सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से इस सिलसिले में तहकीकात की गई थी, जिसके बाद दो रुकनी टोली को गिरफ्तार किया गया। इंडो अरब लीग की जानिब से फलस्तीन के हिमायत और फलस्तीन के कास के खातिर 29 अक्टूबर को ताज कृष्णा होटल में खसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 15 ममालिक के सुफरा शिरकत करेंगे। अलावा इस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया जाएगा। सदरनशीन इंडो अरब लीग विखारुद्दीन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने मजीद बताया कि इंडो अरब कल्चरल सेंटर में इंडो अरब यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में भी नुमाइंदगियाँ की गई हैं। उन्होंने बताया कि फ़लस्तीन की एम्बेसी हैदराबाद में क़ायम करने के लिए अराजी और इमारत मुहैया करने का भी तयक़ुन दिया गया है। इंडो अरब यूनिवर्सिटी and this is in progress in Delhi, but they wanted to have in Delhi, but there is no room in Delhi. Here we can offer them 1,000 or 1,500 acres of land out on the other side of Outer Ring Road, and it will be glad that both the governments, state and union government, may appreciate this move, because they are participating, they are investing for the university, which will be open for all countries of the world. Now there are 193 countries which are members of the United Nations, and 213 are the total in number. And then I want to explain the position, present position. 29th we are having the function in Hyderabad, and the ambassadors who are visiting Jordan, and then Sudan, and then Yemen, Iraq, Syria, Ambassador Lebanon, and Judge of Palestine, and we are expecting soon ambassador from Egypt, and already in process the ambassadors from Saudi Arabia and Kuwait, and maybe one or two from Oman and other places. मीडिया फ्रैटर्निटी में क्रिकेट को फ़रोग देने की गरज से क़ायम की गई मीडिया प्रीमियर लीग के दूसरे सीज़न का ऐलान कर दिया गया है। चीफ पैटर्न मीडिया प्रीमियर लीग इफ्तिखार शरीफ, नायब सदर एमपीएल नईम गौरी, ऑर्गेनाइज़र शेख अहमद के अलावा प्राइड इंडिया पब्लिसिटी हेड सैयद ज़ियाउल हक़ और दीगर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में सिलसिले में तफसीलात बताई। क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे सीज़न में जुमला 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि मैचेस का आगाज़ 11 दिसंबर से होगा और कप लॉन्चिंग तकरीब 9 दिसंबर को मुनक्किद होगी। इफ्तिखार शरीफ ने मजीद बताया कि टूर्नामेंट के बेहतरीन 16 खिलाड़ियों का इंतखाब करते हुए अप्रैल मई 2018 में अमेरिका का दौरा करवाया जाएगा, ताकि वहां मैचेस का इनेकाद अमल में लाया जा सके। इस मौके पर मोहम्मद फयाज एमडी सरकार बिल्डर्स के अलावा मार्केटिंग हेड एमपीएल मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। Though media never had any teams, the place who or the people who work for the media, they're playing for different teams, but not as a media itself. But last year being the first year and this year being the second year of the Media Premier League, it's catching like fire. We are happy to the organizers, especially Asif and Ahmed and Naeem and all the sponsors. We had good sponsors last year. I was one of them. And this year, we were glad that Pride India, led by Samobar Beg, they have come up and they're here today, and they'll be sponsoring. And there'll be many more who will be joining the team. You know, and no matter what, at the end of the day, what we need is sponsorship to promote this cricket tournament of the media people, and that is the whole reason. And yes, we do have support. Last year our teams went to UAE, played matches in UAE, and this year we're hoping to send the team to KSA,
Kingdom of Saudi Arabia, and if everything works out according to the plan of the Media Premier League, the selected or the final team will be one Indian media team, or we could call it a Telangana media team or MPL team, which will be represented. आइए देखते हैं फिर के बात की खबरें। रियासी वजीर इमारात उशवारे टी नागेश्वर राव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत किसानों को 9 घंटे से ज़ायद बरखी सरबराह करते हुए किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के इकदाम कर रही है, जबकि दूसरी जानिब कांग्रेस दौर इख्तदार में बरखी सरबराही मजदूदी करने की वजह से कांग्रेस खुदकुशी कर रहे थे। और उन्होंने वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के बारे में बताया कि वो किसानों में एतमाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासी वजीर इमारात उशवारे टी नागेश्वर राव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत किसानों को 9 घंटे से ज़ायद बरखी सरबराह करते हुए और फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर्स की खराबी पर तब्दील करने के इकदाम कर रही है और किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि साबिक में कांग्रेस दौरे इख्तदार में घंटों बरखी सरबराही मजदूद रहती थी, जिसकी वजह से किसान खुदकुशी कर रहे थे, जबकि वज़ीर-ए-आला केसीआर किसानों में एतमाद पैदा करते हुए नई रियासत तेलंगाना में खुदकुशी के वाक़ात में कमी लाने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस किसान मजदूर सेल की जानिब से एक अजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें किसान मोर्चा के खायदीन और दीगर कांग्रेस खायदीन ने शिरकत की। बाजा सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस 27 अक्टूबर को हुकूमत की नाकामियों और किसानों के मसाइल की यकसुई का मतालबा करते हुए चलो असम्बली एहतजाज का अहतमाम कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस किसान मजदूर सेल की जानिब से एक अजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें कोंडा रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। बाजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी 27 अक्टूबर को टीआरएस हुकूमत की नाकामियों और साबिक वज़ीर-ए-आला केसीआर की जानिब से असम्बली में किसानों और रियासत की अवाम से किए गए वादों को रबमल न लाने के खिलाफ चलो असम्बली का इनेकाद किसी भी सूरत में अमल में लाएगी। चलो असम्बली के लिए सुबह 7 बजे से गांधी भवन पर कांग्रेस कायदीन और कारकुन और किसान जमा होंगे। सत्ताईस अक्टूबर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय करने की गरज से बीजेपी कायदीन का एक अहम इजलास मुनक़द हुआ। बीजेपी फोरीडर किशन रेड्डी की क़्यादत ने मुनक़दा इजलास में सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण, अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल ने शिरकत की। बाजा ई रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि बीजेपी असम्बली और कौंसिल के मानसून इजलास के दौरान हुकूमत की नाकामियों को लेकर ऐवान में हुकूमत का घेराव करेगी। बीजेपी फ्लोरिडा किशन रेड्डी की क़्यादत में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें सदर रियासी बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण, अराकीन असम्बली रामचंद्र रेड्डी, एनवीएस प्रभाकर के अलावा रुकन कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव ने शिरकत की। बाजा खैरताबाद में बीजेपी रुकन असम्बली रामचंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि बीजेपी असम्बली और कौंसिल के मानसून इजलास के दौरान हुकूमत की नाकामियों खासकर किसानों के मसाइल को लेकर हुकूमत का ऐवान में घिराव करेगी और बताया कि हिकमत अमली इजलास में तय हो पाई है। और बताया कि बीजेपी अराकीन असम्बली और कौंसिल 27 अक्टूबर को बाबू जगजीवन राम के मुजस्मे के करीब एक रैली की शक्ल में असम्बली को पहुंचेंगे। नायब सदर जम्हूरी हिंद वेंकैया नायडू रियासत तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे। नायब सदर जम्हूरी हिंद वेंकैया नायडू का बेगमपेट एयरपोर्ट पर नायब राय तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, सनशीन कानून साज कौंसिल स्वामी गौड़ के अलावा आला पुलिस अहदेदारों ने खैर मकदम किया। इस मौके पर एयरपोर्ट के अतराफ और अकनाफ जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। आखिर में हम खबरें एक बार, रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चार मीनार के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा, मकामी आवाम से मुलाकात और मसाइल को हल करने की अहदेदारों को दी हिदायत।
مجلسی اراکین اسمبلی چار مینار اور حلقہ ملک پیٹ نے متعلقہ حلقوں میں کیا پیدل دورہ، مسائل کو حل کرنے کا مقامی عوام کو دیا تیقن۔ ساؤتھ زون پولیس کی جانب سے چبوترہ مشن کا دوبارہ آغاز، ڈی سی پی ساؤتھ زون کی نگرانی میں 200 سے زائد حراست میں لیے گئے نوجوانوں کی گئی کونسلنگ۔ ایک کروڑ روپے سے زائد رقم کی دھوکہ دہی میں ملوث ویب چینل کا خود ساختہ رپورٹر گرفتار، ڈی سی پی ویسٹ زون کی میڈیا کانفرنس۔ آٹو میں سفر کرنے والے مسافرین کو ڈرا دھمکا کر ڈکیتی کرنے والی دو رکنی ٹولی گرفتار، 2,66,000 روپے نقد رقم کے علاوہ آٹو اور دیگر اشیاء کی گئیں ضبط۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔